आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त हाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाजीपुर के एसपी कार्यालय के हिंदी शाखा में आग लग गई और आग लगने से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस माहौल को देखते हुए वहां पुलिस इकट्ठा हो गई। उसके बाद जिस तरीके से धुएं निकल रहे थे एसपी कार्यालय के हिंदी शाखा थे, उस वक्त पता चला कि वहाँ आग लग गई है और तुरंत वहाँ दलकल को बुलाया गया। तीन दलकल की गाड़ियां वहां आई हैं और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं, कंप्यूटर वगैरह भी जलकर राख हो चुके हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब पुलिस वहां पहुंची और फिर दलकल को बुलाया गया और तब आग पे काबू पाया गया है। पुलिस ऑफिस के अंदर भी गई है, कई महत्वपूर्ण कागजात दस्तावेज वहां जलकर राख हो गए हैं। साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि चार चार कंप्यूटर भी जलकर राख हो चुके हैं। इस मौके पर अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। स्थानीय जो फील्ड में घूमने के लिए आते हैं वही लोग मैसेज दिए थे कि ऑफिस से आग निकल रही है। इसी पर मेरा कर्मचारी जब यहाँ पर आए तो देखा कि जियो स्टेशन से आगे का लपट निकल रहा है, धुआं निकल रहा है काफ़ी तेज धुआं। फायर ब्रिगेड को खबर किया गया, उसके बाद जियो का गेट तोड़ा गया, तोड़ने के बाद आपको बुझाया गया है। अंदर में जला होगा, अंदर में चार कंप्यूटर जल गया है, वो चार पांच सेशन उसमें कार्यरत था हॉल में, वो करीब आधा फाइल सबका फाइल करीब जला ही हुआ है और कुछ जो बुझाने के फिर में पानी मारा गया है फायर ब्रिगेड को, उसको पानी से भी बर्बाद। सर उसमें कौन कौन सी फाइल होगी महत्वपूर्ण? उसमें तो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का फाइल है, फिर जियो का हिंदी शाखा का फाइल है। कितने शाखा उसमें चलते हैं? चार पाँच शाखा। तो जैसे कि आपने सुना कि इस मौके पर कहा यह भी जा रहा है कि डीएसपी और फायर ब्रिगेड ने साफ तौर से कह दिया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। और लेकिन जिस तरीके से आग लगी है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो वहाँ रखे थे वो जल गए हैं, कंप्यूटर जल गए हैं, लैपटॉप जल गए हैं, जिस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। इस बात की जानकारी पुलिसकर्मियों की तरफ से दी जा रही है। जिस प्रकार से वहाँ अचानक से आग लगी, इस वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसके बाद पुलिसकर्मी वहां पर आए और तब जा कर के आग पर काबू पाया गया है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।